विशाल यादव और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज़। सर बड़ी खबर आ रही नेपाल से, जिस तरह से सीतामढ़ी बॉर्डर पर नेपाल ने विवाद खड़ा कर दिया है, जिस तरह से भारतीय सेना वहां पर रोड बनाने का कार्य चल रहा था उस पर नेपाल को बुरा लगा है, यानी कि चीन की चाल चल रहा है नेपाल। बड़ी खबर है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ अब सीतामढ़ी बॉर्डर पर नेपाल ने खड़ा किया विवाद, भारतीय जमीन पर ठोका धावा, सड़क निर्माण कार्य को रोका है। जिस तरह से भारत नेपाल सीमा पर इस नए विवाद को खत्म करने के लिए एक बार फिर से इस जगह की नापी करवाए जाने की बात कही जा रही है। जिस तरह से अभी तक काला पानी और कुछ एरिया को लेकर नेपाल अपने आप को बता रहा था कि ये नेपाल की जगह है जबकि वो भारतीय जमीन है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं जमीनी विवाद को लेकर अभी तक चीन अब नेपाल सामने आ रहा है। जिस तरह से खबर है सीतामढ़ी से, चीन की रणनीतियों के साथ देते हुए नेपाल लगातार भारत की सीमा पर बखेड़ा खड़ा करता चला जा रहा है। एक बार फिर नेपाल ने भारत नेपाल बॉर्डर पर भारतीय क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण को रोक दिया है। मामला सीतामढ़ी के भिट्ठा मोड़ बॉर्डर का है। जानकारी के अनुसार नेपाल सशस्त्र पुलिस बल यानी नेपाल पुलिस ने भारतीय सीमा क्षेत्र की 20 मीटर जमीन पर अपना दावा ठोका है। बताया जा रहा है कि सड़क का निर्माण मुठभेड़ जो है वो मुट्ठा मोड़ चौक से नो मैंस लैंड तक हो रहा है, जिस पर नेपाल ने अपना दावा ठोका है। जिस तरह से मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन रोके जाने के बाद सीमा पर तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों की तरफ से जवानों का जमावड़ा होने लगा है। एसएसबी ने स्थिति संभालते हुए लोगों से कहकर शांत किया कि वरीय अधिकारी बात कर मामले को निपटा लेंगे। इस बीच गैर आधिकारिक बातचीत में एसएसबी के अफसरों ने कहा कि वरीय अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। हालांकि विवाद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस जगह पर नेपाल ने कभी आपत्ति नहीं जताई थी। अब जब विवाद सामने आया है तो एक बार फिर से इस जगह पर नापी कार्रवाई जाएगी और विवाद का हल निकाल लिया जाएगा। जहां तक अभी तक कह सकते हैं कि अगर हम चीन और नेपाल को लेकर चलें तो चीन ने भी अभी तक कभी विवाद पैदा नहीं किया। अभी मैं जल्द की बात कर रहा हूँ, ना कि हम कांग्रेस की सरकार रही तब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब की बात कर रहा हूँ कि जिन एरिया को चीन अब विवादित बनाने की कोशिश कर रहा है, जिन जगहों को लेकर चीन बखेड़ा खड़ा कर रहा है, अब वैसे ही चाल चल रहा है नेपाल। वैसे नेपाल की कोई औकात नहीं है, साफ शब्दों में आपको बता दूँ, भारत के सामने जब चीन नहीं टिक पाया, जब पाकिस्तान का आतंकवाद नहीं टिक पाया, तो नेपाल तो कुछ नहीं है। जबकि हमारे सैन्य अधिकारियों ने, बड़े बड़े प्रमुख जनरल नरवणे ने और बिपिन रावत ने भी चीन के खिलाफ तो अपना रुख दिखाया है, लेकिन नेपाल को सिर्फ भाईचारे की नज़र से देखते हैं। नेपाल पे जिस तरह से अभी कह सकते हैं कि काला पानी पर नेपाल ने जब हमला बोला था, जब दावा किया था कि हमारी ज़मीन है, उसके बाद भी MM नरवणे ने कहा था कि नेपाल हमारा मित्र देश है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उसके सांस्कृत और उसके ऐतिहासिक कार्यक्रम हमसे मिलते जुलते हैं, जिससे कि हम नेपाल को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उस समय भारत सरकार की नज़र थी चीन की ओर। लेकिन अब भारत सरकार की नज़र चीन से थोड़ा हट रही है, अब उनकी नज़र नेपाल बॉर्डर पर आ रही है, इसीलिए नेपाल बॉर्डर पर भी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए जब SSB के जवान वहां जाते हैं, लेकिन SSB के जवान ये बात कह के टाल देते हैं कि अभी हमारे बड़े अधिकारी हैं, ज़मीन नापी जाएगी या ज़मीन को किस ढंग से किस देश के हिस्से में दिया जाएगा वो हमारे आला कमान अधिकारी करेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद नहीं है। और जब इतना बड़ा विवाद नहीं है तो वहाँ पे SSB के जवानों ने कहा कि हम क्यों बखेड़ा बिना फालतू उत्पन्न करें, हमारे बड़े अधिकारी बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद क्या हल निकलता है वो देखा जाएगा। लेकिन बता दें आपको थोड़ा
कि यह मामला तब शुरू हुआ जब बॉर्डर की 20 मीटर जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए नेपाल पुलिस ने भिट्ठा मोड़ मुख्य चौक से नो मैंस लैंड तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। मामले को लेकर एसएसबी जवानों और नेपाल पुलिस के बीच बातचीत भी हुई और कोई हल नहीं निकला। भिट्ठा ओपी प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि पहल करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। अब बात आपको बता दें कि एसपी ने क्या बात कही है। विवाद बढ़ने की सूचना मिलने के बाद जलेश्वर नगर पालिका नेपाल क्षेत्र में मेयर शंकर शाही भी भिट्ठा मोड़ सीमा पर पहुंचे और नेपाल पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि अपने स्तर पर बातचीत कर 2-3 दिनों में सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास करेंगे। वहीं सीतामढ़ी के एसपी अनिल कुमार ने मामले पर कहा कि एसएसबी के अधिकारियों ने बॉर्डर पर बातचीत की है, प्रोटोकॉल के अनुसार मामले का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से चीन हुंकार भरता चला रहा है भारत पर कि भारत की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और वही चाल नेपाल चल रहा है। यहाँ तक कि खबरें ये भी आई थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब और जो हैं वहाँ के राजदूत एक हैं चीन के राजदूत से मुलाकात हुई थी। उन्होंने ही नेपाल को ऐसा करने के लिए उकसाया और ऐसा ही करने के लिए अग्रसित किया, जिससे कि मौली ने वही किया है जो चीन के राजदूत ने कहा था। तो क्या समझते हैं आप कि चीन और नेपाल आपस में मिले जुले हैं? क्या चीन जिस तरह से भारतीय ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है वैसे ही नेपाल भी भारतीय ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? तो क्या उसकी ये कार्रवाई जो है नेपाल की वो चीन से मिलती जुलती है? जिस तरह से हमारे सैन्य अधिकारी इन सब स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब स्थितियों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई विवाद ना हो, कोई हिंसक झड़प ना हो, कोई खूनी जंग ना हो, कोई मारपीट ना हो, जिससे कि आक्रोश बढ़े, जिससे कि हमारे जवान शहीद हों या अन्य पड़ोसी देश के जवान शहीद हों। इन सब से बचने के लिए भारत सरकार हमेशा अच्छे से अच्छे कदम उठाती है, लेकिन वहीं पर गलती कर देते हैं दुश्मन देश, पड़ोसी देश गलती कर देते हैं, जैसा कि चीन ने किया और जैसा कि नेपाल ने किया, जैसा कि पाकिस्तान ने किया। भारत कभी भी अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता है। भारत कभी भी दूसरे के एरिया में, दूसरे अन्य देशों की एरिया में जाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन वही पड़ोसी देश सिर्फ सिधाई का फायदा देखते हुए इस तरह की गुस्ताखी करते हैं और जब हमारे देश की सेना एक्शन में आती है तो वही दुश्मन देश, वही पड़ोसी देश पीछे खसक जाते हैं, जिससे कि पता है कि भारतीय सेना का परचम लहराता है, कोई भी टिक नहीं सकता है। सिर्फ धोखाधड़ी ही भारतीय सेना ना तो करती है और ना ही समझ पाती है। जिस तरह से चीन ने भी घुसपैठ किया था, एक इतना बड़ा देश और उसके सैनिक जब घुसपैठ करने लगे, यानी कुत्तों जैसा कारनामा करने लगे, तो सोचिए आप उस देश पर क्या और कैसे बीतता होगा। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान घुसपैठ कराने में नंबर एक है, लेकिन पाकिस्तान और चीन की मित्रता थोड़ी बढ़ती जा रही है, इसीलिए शायद कुछ वहाँ के मंत्रियों ने वहाँ के मंत्री के कान में कुछ बात डाली होगी, जिससे कि चीन भी सीख चुका और घुसपैठ कराने लगा। लेकिन जिस तरह से सीतामढ़ी बॉर्डर पर नेपाल ने विवाद खड़ा किया है, ये कोई विवादित जगह नहीं है और अब तक सीतामढ़ी में कोई भी विवाद नहीं हुआ है। लेकिन नेपाल ये देख रहा है कि इसके पहले जब काला पानी या अन्य क्षेत्रों पे बात आई तो सरकार ने कुछ नहीं बोला, सरकार ने सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, यानी किसी भी प्रकार से दुश्मनी की नज़र से नेपाल को नहीं देखा। लेकिन नेपाल अब वही कर रहा है जो अब भारतीय सेना नहीं करना चाहती, क्योंकि हर एक नए जगह के जो कार्य हो रहे हैं उन कार्य को रुकवा देना और उस पर अपनी मनमानी करना ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से अभी भारतीय सेना की नज़र जो है वो LAC पर टिकी हुई थी, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, सब इस समय चीन बॉर्डर को देख रहे थे। लेकिन अब वहाँ पे जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब धीरे धीरे वहाँ का माहौल शांत हो रहा है, क्योंकि दोनों देश की सेनाएँ
पीछे हट रही हैं, यहाँ तक कि चीनी सेना ज़्यादातर पीछे जा चुकी हैं। जिन पेट्रोलिंग पॉइंट अड्डों पर वो पहुँच चुकी थी अब उसको छोड़ भी रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अब नॉर्मल स्थिति है चीन बॉर्डर पर, इसीलिए अब भारतीय सेना का रुख अगर नेपाल की तरफ होता है तो नेपाल बर्बाद हो जाएगा। नेपाल को पता होगा कि चीन के राजदूत उसको बचाने नहीं आएंगे, चीन से जो उसको बुद्धि मिली है वो बुद्धि कामयाब नहीं होगी, क्योंकि चीन खुद अपनी चाल में फंसता नजर आया है। चीन ने खुद अपने जवानों को खोया है, चीन की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी आधिकारिक पुष्टि पेश कर दे, चीन की सरकारी मीडिया की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बता दे कि उसके कितने जवान मारे गए। तो चीन नेपाल का साथ नहीं देगा, अगर नेपाल समझदार है तो यहीं से उकसाया हुआ काम रोक दे और भारत के रास्ते में ना आए। वीडियो समाप्त करूँगा, अनुरोध करता हूँ आप वीडियो को शेयर करें, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।